हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के जापान वाले टीवी स्पॉट के बारे में, जिसमें हमें टोबी मैग्वायर को भी दिखाया गया है। यार, कल काफी लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, ये टीवी स्पॉट रियल है या फेक, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड दोस्तों, जापान में अभी एक पेटिशन भी चल रहा है स्पाइडरमैन नो वे होम को लेकर, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान मैं आप लोगों को देने वाला हूं। एंड इसके अलावा ट्रेलर 3 से रिलेटेड भी एक अपडेट आई है, तो उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जापान वाले टीवी स्पॉट के बारे में। तो यार, कल ही एक टीवी स्पॉट लीक हुआ, जहां हमें पिछली सारी टीवी स्पॉट्स के मुकाबले थोड़े बहुत एक्सटेंडेड सीन्स देखने को मिले, और उन्हीं सीन्स के बीच आधे सेकंड के लिए यहां टोबी मैग्वायर को भी दिखाया गया। और यार, फिर होना क्या था, सभी लोग पागल हो गए कि टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन जापान वाले टीवी स्पॉट में लीक हो गया है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी कुछ और ही है। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा टीवी स्पॉट फेक है, टीवी स्पॉट तो ओरिजिनल है, लेकिन इस टीवी स्पॉट में किसी बंदे ने पुरानी वाली स्पाइडरमैन मूवी का एक फुटेज उठाया और इस मीठे से तरबूज के अंदर हल्का सा काला नमक छिड़क दिया। और यार, बाकी फेक रूमर्स को फैलने में टाइम ही कितना लगता है। अब दोस्तों, सच्चाई ये है कि ये वाला सीन स्पाइडरमैन 1 वाली मूवी का है, जब क्लाइमैक्स में ग्रीन गॉब्लिन मैरी जेन और इन बच्चों को एक साथ मरने के लिए छोड़ देता है। और फिर आगे क्या होता है ये तो आप सबको पता ही होगा। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि ये नो वे होम का सीन नहीं बल्कि एक फैन एडिट है। लेकिन यार, डरो मत, मूवी के अंदर कोई फैन एडिट नहीं होगा, बल्कि सच में टोबी मैग्वायर ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई जापान वाले टीवी स्पॉट की। अब बात करते हैं कि जापान में क्या लफड़ा चल रहा है स्पाइडरमैन नो वे होम को लेकर। तो यार, जैसा कि मैंने पहले भी आप सबको बताया था कि स्पाइडरमैन नो वे होम कई जगहों पर जल्दी रिलीज हो रही है और कई जगहों पर लेट से भी रिलीज हो रही है। तो दोस्तों, जापान एक ऐसी कंट्री है जहां ये मूवी काफी ज्यादा लेट से रिलीज हो रही है, क्योंकि जापान में ये मूवी 7 जनवरी 2022 में रिलीज होने वाली है। मतलब कि जापान वालों को इस मूवी के लिए और 3 हफ्तों का इंतजार करना होगा। और यार, इतने दिनों तक तो कोई चाहकर भी स्पॉइलर से दूर नहीं रह सकता। यार, मैं खुद परेशान हूँ कि जब 15 दिसंबर से इस मूवी के अर्ली रिव्यूज आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर मैं कैसे उनसे बच पाऊंगा। तो यार, जरा जापान वालों के बारे में सोचो, उनको तो 3 हफ्तों तक बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। और इसलिए जापान में जितने भी मार्वल फैंस हैं, उन्होंने पेटिशन साइन करना शुरू कर दिया है कि जापान में भी नो वे होम 17 दिसंबर को ही रिलीज की जाए। अब यार, देखने वाली बात ये होगी कि इस पेटिशन पे मार्वल और सोनी का क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो दोस्तों, अगर मार्वल या सोनी इस पे कुछ रिएक्शन देते हैं, तो मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस के थ्रू अपडेट जरूर कर दूंगा। और यार, जापान फैंस के इस पेटिशन के बारे में आपकी क्या राय है, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं तीसरे ट्रेलर के बारे में। तो यार, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि 29 नवंबर को सोनी इस मूवी का 3rd ट्रेलर भी रिलीज कर सकती है। और कुछ इनसाइडर्स का ऐसा भी कहना है कि उस ट्रेलर में टोबी और एंड्रू को भी टीज किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि 29 नवंबर से नो वे होम के टिकट्स की एडवांस बुकिंग शुरू होने वाली है। और इसलिए ही ऐसा कहा जा रहा है कि उस दिन सोनी एक और ट्रेलर रिलीज करना चाहता है, जिसमें वो टोबी और एंड्रू को थोड़ा सा टीज कर देगा, ताकि ऑडियंस के बीच हाइप थोड़ी और बढ़ जाए और सभी लोग जल्दी से अपनी टिकट्स बुक कर लें। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन सोनी की तरफ से नहीं आई है। तो यार, इसलिए इस बात को सच मत मान लेना। ट्रेलर आए तो भी अच्छा है और ना आए तो भी अच्छा है। यार, रोज रोज नए टीवी स्पॉट्स तो मिल ही रहे हैं, तो अब और क्या चाहिए तुम लोगों को। 20 दिन ही तो बचे हैं यार, इतने दिन तो मेरी वीडियोस देखते देखते ही निकल जाएंगे। और दोस्तों, 29 नवंबर को ट्रेलर आए या ना आए, लेकिन एक भयंकर सा टीवी स्पॉट जरूर आएगा। तो यार, इसलिए पैसे जोड़ना शुरू कर दो और 29 नवंबर को अपने टिकट्स बुक कर लो। अगर कमा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कमा रहे तो हर वक्त पढ़ाई करके मम्मी पापा को इम्प्रेस करो और टिकट के पैसे किसी तरह निकलवा लो उनसे, क्योंकि ऐसी मूवीज बार बार देखने को नहीं मिलती। तो यार, बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। यार, इस वीडियो में 2000 लाइक्स कम से कम चाहिए मुझे इस बार, तो प्लीज जल्दी से कंप्लीट करवा दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।